फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम लाइनिक्स सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द लाइनिक्स कर्नल इज यूजलेस इन आइसोलेशन। इट पार्टिसिपेट्स एज वन पार्ट इन अ लार्ज सिस्टम एज अ होल इज यूजफुल। लाइनिक्स का आर्किटेक्चर मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज यूजर एप्लीकेशंस, सेकेंड इज ओएस सर्विसेज, थर्ड इज लाइनिक्स कर्नल एंड लास्ट वन इज हार्डवेयर कंट्रोलर्स। यहाँ आप देखिए कि लाइनिक्स का जो कर्नल है, अगर हम इसे आइसोलेट करके देखें तो इसका कोई यूज नहीं है, बट एज अ होल इस पूरे आर्किटेक्चर में कर्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि ओएस सर्विसेज के अंदर आपका शेल आता है। शेल पे आप जो भी कमांड्स लिखेंगे वो ओएस सर्विस कैटेगरी के अंदर आएंगी। अब हम इन चारों कैटेगरीज के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले यूजर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यूजर जो भी एप्लीकेशन लिख रहा होगा वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि लाइनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं। वो सारी एप्लीकेशन हमारे इस यूजर एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसका आप एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, लाइक वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इस तरीके से यूजर द्वारा एग्जीक्यूट की गई सारी एप्लीकेशन यूजर एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी में आती हैं। सेकेंड पार्ट आता है ओएस सर्विसेज। दीज आर सर्विसेज दैट आर टिपिकली कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेनली सर्विसेज होती हैं वो ओएस सर्विसेज लेयर के अंदर आती हैं, लाइक विंडोइंग सिस्टम, शेल पे जो कमांड्स लिख रहे हैं वो, प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू कर्नल। इस तरीके से जो सारी टिपिकल एक ओएस की जो सारे फंक्शंस होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो ओएस सर्विसेज लेयर के अंदर आती हैं। थर्ड पार्ट होता है लाइनक्स कर्नल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कर्नल एब्स्ट्रैक्ट एंड मेडिकेट एसेस टू द हार्डवेयर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द सीपीयू। ये हार्डवेयर को एसेस प्रोवाइड कराता है। एंड लास्ट वन इज हार्डवेयर कंट्रोलर्स। दिस सब सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ ऑल द पॉसिबल फिजिकल डिवाइसेस इन अ लाइनक्स इंस्टॉलेशन। लाइनक्स इंस्टॉलेशन में जितने भी पॉसिबल फिजिकल डिवाइसेस हो सकते हैं, लाइक सीपीयू, मेमोरी हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, नेटवर्क हार्डवेयर, ये सारी चीजें, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हार्डवेयर कंट्रोलर लेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि लाइनक्स का जो आर्किटेक्चर होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे ऊपर अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे ये सर्किल, तो ये सबसे बाहर वाला सर्किल हुआ यूजर एप्लीकेशंस वाला सर्किल। यहाँ आप देखेंगे मल्टी यूजर सिस्टम होने की वजह से यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर एन तक हमने लिया हुआ है। ये यूजर वन की एप्लीकेशंस हुई, यूजर टू की एप्लीकेशन, थ्री की एप्लीकेशन, इस तरीके से यूजर एप्लीकेशंस हुई। यूजर एप्लीकेशंस के बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा ओएस सर्विसेज, या हमने उसे शेल से दिखाया हुआ है। थर्ड इज कर्नल। कर्नल इन सारी सर्विसेज को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने का काम करता है। और लास्ट वन इज हार्डवेयर, और इस हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर लाइनक्स इंस्टॉलेशन के लिए जो भी हमारे पॉसिबल सारे हार्डवेयर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने लाइनक्स का आर्किटेक्चर पढ़ा, जो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम लाइनक्स सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े। टू गेट फुल वर्जन ऑफ दिस ट्यूटोरियल प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.igig.co.in और कॉल अस एट 08097195231 और 09223944444.